उनके कहूँगा। एफएसएल का जो प्राइमरी ओपिनियन है यहाँ पे कि घटना यहाँ पे कारित की गई है, मतलब यहाँ पे वो जिंदा थे, ऐसा कहना है एफएसएल की टीम का अभी तक। काफी पूरा मामला है इस मामले में। हाँ देखिए, आज सुबह करीब 8:30 के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि जो नवनिर्मित जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेज है अनिल के काम पर, वहाँ पर एक व्यक्ति का जो है डेड बॉडी पड़ा हुआ है, तो वहाँ हमारी टीम आई और तुरंत एफएसएल की टीम को बुलाया गया। डॉग जो ट्रैकर डॉग थे उनको बुलाया गया, और जो फाइनल फेसिस जो एफएसएल टीम, वो उनका ओपिनियन था कि उनके साथ मारपीट की गई थी, और जो करीब रात की घटना ही बताई जा रही है। फाइनल व्यक्ति का नाम जो है कृष्णा उर्फ अंशु है, और उनके पिताजी का नाम सुधीर सिंह है, जो मीठापुर के रहने वाले हैं, परंतु उनके पिताजी ने अपने फैमिली को छोड़ दिया है, तो अभी काफ़ी सालों से यहीं पे रहते हैं। पीछे जो जुगिया है समेरिया, वहीं पे इनका जो रेसिडेंस है, और इनकी उम्र करीब 18 के करीब बताया जा रहा है अभी। और इसमें यही निकल के आई है कि ये रहते थे दिल्ली में, कुछ काम वाम कर रहे थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कुछ सालों पहले छोड़ दी, और अभी हम लोग जो भी इनके परिजन हैं उनसे बयान वगैरह ले रहे थे, उनसे क्या क्या दिक्कतें थी, इनके परिजन कुछ कुछ बताए हैं, जिस संबंध में अभी अनुसंधान जारी है। और हम लोग यहाँ पे जो भी गार्ड रहते थे और जो भी यहाँ पे वर्कर्स रहते थे जो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम कर रहे थे, उन लोगों के भी सबकी सबसे पूछताछ कर रहे हैं, और जो ठेकेदार थे और जो वहाँ वर्कर्स थे जो नाइट राउंड में ड्यूटी करते थे, उन सबका जो है बयान लिया जाएगा किसने क्या देखा। और यहाँ पे जो है सीसीटीवी जो कैमरा पीछे पाए गए हैं उनका भी जो अभी हम लोग संभाल रहे हैं, हमारी वो टीम भी आ चुकी है और सुबह से ही उस पर लगी हुई है, जिससे पता चले कि कौन कब यहाँ पे आए थे और कितने घटना को अंजाम दिया है। चार दीवारी की तरफ भी पुलिस ने अनुसंधान किया, जिस तरह से शव को लटकाया गया, हमें लगता है कि फिल्मी अंदाज में घटना को अंजाम देखिए, दिया। एफएसएल का जो प्राइमरी ओपिनियन है यहाँ पे कि घटना यहाँ पे कारित की गई है, मतलब यहाँ पे वो जिंदा थे, ऐसा कहना है एफएसएल की टीम का अभी तक। तो हम लोगों ने इसको जो है पीएम रिपोर्ट में भी, इस मामले में जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मांगा है ओपिनियन, और सारे बिंदुओं पर उनको बोला है एक मेडिकल टीम गठित की जाएगी, और जो टीम का जो रहता है उससे हम लोग फिर उसको आगे भी उसमें अनुसंधान करेंगे। फिलहाल यही लग के आ रहा है कि यहाँ पे जो है जिंदा थे यहाँ पे, और यहीं पे जो है फाइनली उन्होंने दम तोड़ा है, यही आ रही है। और जहाँ तक चार दीवारी की बात है, तो इसमें एक सिक्योरिटी ऑडिट पहले भी हुआ है, हम लोग वापस से सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे इनका, और इनको सुझाव देंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें और लगनी चाहिए। और यहाँ पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स है उसमें जो है हम लोग इनको भी सूचित करेंगे कि जो एरियाज है, क्योंकि ये वीआईपी एरिया है, तो आसपास आने जाने में जो है और भी एक बेटर जो है उसको मॉनिटरिंग किया जाए, और कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसको जो है एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए, और अच्छे से मतलब जो है सिक्योर एरिया में जो जो प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं वो किया जाए। आपने यार सीसीटीवी का भी देखा उसमें है क्या? कुछ टाइमिंग क्या क्या कुछ पता कितने चला क्या? जी अभी युवक थे या अभी कितने आ युवकों के रही साथ है अंदर उसकी घुसा डिटेल्स, है? अभी अभी अनुसंधान अंतर्गत है, डिटेल्स में हमारी टीम लगी हुई है, वो घटना के तुरंत बाद ही आ गई थी, और तब से लेकर के अभी तक सीसीटीवी पूरा खंगाल रही है, और भी जगह जहाँ सीसीटीवी कैमराज है उनसे भी मांग की जा रही है, और उनका भी देखे जा रहे हैं। अभी उनके बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है, उनके शरीर पे जो जो चीज़ें ली गई है वो एफएसएल टीम ने कलेक्ट किया है, वो अनुसंधान अंतर्गत है, ये सब अनुसंधान अंतर्गत है। कानून लगभग जो है सचिवालय है बगल में, उसके बाद भी अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ना चाहिए। देखिए, इसमें ऐसा है कि यहाँ पे जो है प्राइवेट सिक्योरिटी का यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, हम लोग आसपास के एरिया में पुलिस जो भी पेट्रोलिंग वो करवाते हैं, हमारी टीम यहाँ पे अलग से वीआईपी के लिए अलग चेक पोस्ट बनाए गए हैं, काफ़ी वीआईपी चेक पोस्ट है जिससे कि 24/7 जो है यहाँ पे हमारे कंट्री ड्यूटी में रहते हैं लोग, और अंदर का जो है सिक्योरिटी वो प्राइवेट सिक्योरिटी का है। हम लोगों ने ऑडिट भी किया है क्योंकि उसमें कुछ खामियाँ पाई गई थी पहले, हमारे से पूर्व के अधिकारी ने यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट करते हुए भेजा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में तो और भी ज़रूरत थी यहाँ पे कि उसको जो बढ़िया से मॉनिटर किया जाता है आने जाने वाले लोगों को, चार दीवारी ऊँचा करना है, उसके संबंध में हम लोग पुनः सिक्योरिटी ऑडिट करके यहाँ पे भेजने वाले हैं। जिला प्रशासन के द्वारा क्या सुरक्षा बढ़ाई जी, हम लोग यहाँ पे जरूर बढ़ाएंगे चारों तरफ जो है, हम लोग और पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे यहाँ क्वार्टर नंबर पे। 14 या 20? ये 14 या 20? देखिए, ये अभी तक क्योंकि इसको अलॉट नहीं किया गया तो इसका नंबर का हम अभी नहीं करेंगे, ये बेसिकली 15 के बगल वाली बिल्डिंग है, इसमें रखना होगा। ठीक है।